बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज जा रहे हैं बाराती और ये रेडी हो गए हैं हम, तो चलिए ब्लॉग पे कंटिन्यू रहिए, दिखाते हैं। तो गाइस आ चुके हैं 405। अभी यहाँ से बाराती निकलेगा, तो बाराती जाने के लिए देखिए रेडी है, दूल्हा का गाड़ी भी रेडी है और आगे बैंड बाजा वाला है। दूल्हे राजा रेडी है, पूरा मुस्कान दिख रहा है दूल्हे राजा के ऊपर, है ना। तो गाइज हम लोग अब निकल रहे हैं बाराती के लिए, हम और साधन जा रहे हैं, हम लोग बाइक से ही जा रहे हैं। हम लोग रेडी हो गए हैं, है ना, और कुछ ही देर में हम लोग जहाँ शादी हो रही है उस गांव में पहुँचने वाले हैं। और बहुत सारे गाड़ी जो जिसमें मेहमान लोग बैठ के निकल चुके हैं, आगे हम लोग भी जाएंगे और फिर मस्ती होगी। फिर बने रहिए हमारे इस ब्लॉग के साथ आपको। तो चलिए अब लेकर चलते सीधा बाराती तक, मतलब जहाँ पर मतलब गाँव शादी होगा वहाँ पर, चलिए। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं, क्या नाम है गांव का, क्या नाम है, खतुड़ी ग्राम हम लोग पहुंच चुके हैं। सबसे बाराती आई है और बाराती भी सारा गाड़ी वगैरह सब कुछ आ गया है, तो अभी आप लोग को दिखाएंगे, डांस वगैरह सब कुछ दिखाएंगे, पूरा मस्ती होगा यहां पे। चलिए ब्लॉग पे कंटिन्यू रहिएगा। सारा ग्रुप आ चुका है हम लोग का बाराती, देख सकते हैं। हाँ, और ये खास करके इसको देखिए, दूल्हा का भाई है, आज दूल्हा का भाई पूरा स्मार्ट लग रहा है। और ये दूल्हा का छोटा भाई कहाँ गया, इधर है, ये है दूल्हा का छोटा भाई। देखिए ये फतुड़ी गांव में आ चुका है बाराती, तो हम लोग सारे दोस्त आ चुके हैं सजगज के। चलिए अब हम लोग अब पूरा मस्ती करेंगे, डांस वगैरह सब कुछ करेंगे। डीजे नहीं हुआ इसलिए डांस नहीं होगा, दूल्हा राजा को अभी लेना अच्छा से, डीजे नहीं किया बाकी गाली नहीं दे सकते ब्लॉग में। चलिए चलिए दिखाते रहेंगे जो जो होगा। सारा बैंड वगैरह सब आगे तरफ है, अभी हम लोग अपना बाइक वगैरह लगाने के लिए यहाँ पे आए थे, अभी जा रहे हैं आगे साइड में। माहौल ही नहीं पड़ रहा है इसमें, सब बोल रहा है कि डीजे वाला गाना बजाओ, अब डीजे वाला देखो बजाता है कि नहीं, सबका सब बोल रहा है कि गाना बजना चाहिए डीजे वाला। देखिए गाइस दूल्हे राजा इस पे बैठे हुए हैं, अभी दिख नहीं रहे, गाड़ी के अंदर में दूल्हे, एक मिनट आने में कोई दिक्कत नहीं ना हुआ, नहीं ना, तब कोई दिक्कत कोई दुख नहीं, नहीं। चलिए शादी से आप खुश है ना, चलिए। और ये साधन पीछे पीछे आगे आगे साधन पीछे पीछे गाड़ी।
रहा है डांस करने के लिए, गाड़ी में क्या कर रहा है देखिए। डांस कंप्लीट हो गया, अब क्या होगा? ए इधर आओ, अब क्या होगा डांस का, क्या होगा अभी? अब नाश्ता पानी होगा, है ना, कोल्ड ड्रिंक सबको पिलाया जाएगा। गर्मियों से वस्त वस्त हो चुका है नाचने के बाद, पसीना ही पसीना बह रही है चारों ओर से। तो इधर अभी यहाँ पे अभी संधि मिलन होगा, तो देखिए लड़की वाला लोग रेडी है, वधु पक्ष रेडी है, वधु पक्ष। अच्छा वधु पक्ष है ना, संधि मिलन के लिए पूरा रोड जाम हो गया। देखिए इधर से लड़का वाला है, इधर से लड़की वाला, ट्रक को जाने नहीं दे रहा है क्योंकि मेन रोड हो गया ना। नाश्ता करने के लिए जयमाला कंप्लीट हो गया। पूरा नाचा है कि नहीं? हाँ पूरा नाचा है, पूरा डांस किया ना। अच्छा ठीक, डांस वगैरह किए कि नहीं? डांस के बाद सब थक गए हैं और आराम से बैठे हैं, नाश्ता पानी का वेट हो रहा है। डांस नहीं किया क्यों मास्टर जी? डांस क्या नहीं किया? डांस किया है भाई, तो बोल रहे कि डांस नहीं किया, डांस नहीं किया, ये डांस नहीं किया है, हमें बता रहे कि हम डांस नहीं किया। नहीं नहीं, हम देखे हैं, हम देखे हैं, शक्ल मेरा शक्ल बिगड़ गया है डांस के चक्कर में। हम तो देखे कि माशा से पूरा नाच है, मेरा शक्ल बिगड़ गया है, हम डांस इतना कर देंगे, मेरा शक्ल बिगड़ गया है। भैया देखिए यहाँ गिलास बांट रहे हैं, माला पहन लिए हैं, पूरा फॉर्म में लग रहे हैं, पूरा फॉर्म में लग रहे हैं। देखिए अब मिला ठंडा, ठंडा ले लिया है। मेरा दोस्त, मेरा यार का शादी है तो इसको पेप्सी हल्का सा दो घूंट। नहीं नहीं, दूल्हा अभी कुछ नहीं पी सकता ही है। टिकट दूल्हा को साला को पिलाओ, ये तब से गाड़ी में बैठा हुआ है, बाहर डांस करने के लिए बुलाया था लेकिन नहीं निकल रहा था। अच्छा तुम बताओ डांस करने के लिए क्या नहीं कर रहा था? डांस किए नहीं तुम? देखा हम तो देखे नहीं, डांस बहुत ज्यादा किया। अच्छा ठीक है, ये देखिए अब नाश्ता आ गया है। ये देखिए यहाँ पे संधि मिलन कर रहा है जो, ये दूल्हे के बड़े भाई, देखिए पूरा बिजी लग रहा है अपने आप में, कहाँ बिजी है पता नहीं। देखिए मामा जी मौसा जी बैठे हुए हैं, देखिए ये मेरे मामा जी बैठे हुए हैं, इधर मौसा जी बैठे हुए हैं और इधर भी एक मौसा जी बैठे हुए हैं। इधर कौन है? देखो मोबाइल में बिजी अपने आप, कहाँ बिजी है? इधर देखिए मास्टर जी, सब छोकरा लोग हैं, कुछ छोकरा लोग खाली डांस करता है, कुछ करता नहीं है। दूल्हा उतर रहे हैं गाड़ी से, ये देखिए ये दूल्हा का एंट्री हो गया। अभी ये कहाँ जाएंगे? इधर इधर। तो गाइस अब होने जाएगा जयमाला, चलिए दिखाते हैं आप लोग। ये देखिए यहाँ पे खाना पीने के लिए यहाँ पे टेंट बना हुआ है और इधर जयमाला होगा। यहाँ तो जयमाला के लिए पहले से सबको यहाँ भीड़ लगा हुआ है जयमाला देखने के लिए। जयमाला के लिए यहाँ पे स्टेज बना हुआ है। तो गाइस अब जयमाला के लिए दूल्हे राजा का एंट्री होने जा रहा है, ये देखिए गाड़ी आ रहा है दूल्हे राजा का। गाइस यहाँ पे तो देखिए यहाँ तो कुछ और हो गया है,
यहाँ पे देखिए दूल्हे राजा को देखने के लिए यहाँ पे भीड़ लग गया है। दूल्हे राजा का भाई को कोई नहीं देख रहा, ये देखिए कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, तो चाहिए था भाई। स्टेज अच्छा बना हुआ यहाँ पे, अभी जयमाला होने जाएगा। एक वो मेरे सब्सक्राइबर मिल चुके हैं सौरभ दा, इधर है मेरा सब्सक्राइबर एक सौरभ दा। अब दूल्हे राजा का यहाँ पे एंट्री होने जा रहा है, ये देखिए गाइस अभी फोटोशूट चल रहा है दूल्हे राजा का। पीछे से आपका देख सकते हैं कुछ दूल्हे राजा को देखने के लिए, अभी दुल्हन का वेट किया जा रहा है, लेकिन अभी दूल्हे राजा बहुत बिजी है फोटो खिंचाने में, यहाँ पे कोई आ नहीं रहा अभी तक। आप फोटो कहने के जा रहे हैं, बहुत फोटो खिंचा लिए हम, बहुत थक गए हम। दूल्हे राजा आपको खोज रहे कि मास्टर जी नहीं आ रहे स्टेज पे, जा रहे हैं तो, और ये लोग भी नहीं जा रहा, सब कोई पीछे बैठा हुआ। जाएंगे लड़की आने के बाद जाएगा। कैमरामैन दीपक सभी का फोटो ले रहा है गाइस, आप देख सकते हैं लड़की का एंट्री होने जा रहा है, ये देखिए। बहुत ज्यादा एक्साइटेड है ये लोग, देखिए पूरा हो गया गाइस, मरमाला खत्म हो गया है, हम लोग खाने के लिए जा रहे हैं। अब जा रहे हैं हम लोग, जो से भूख लग गई है, रावी बहुत देर हो गई है हमारे मामा जी है ना, मामा श्री जो बहुत देर से वेट कर रहे हैं खाने को, फोटो का भी वेट किया लेकिन फोटो लेने को मौका नहीं मिला, कुछ ज्यादा ही आज दूल्हे राजा का डिमांड कुछ ज्यादा ही है ना, इसलिए हाँ। अभी हम लोग आगे टेंट में खाना वाना खाएंगे गाइस, बहुत ज्यादा थक गए हैं, बहुत ज्यादा गर्मी भी लग रहा है, आए हैं खाना वाना खाने के लिए अब, और यहाँ पे देखिए भीड़ बहुत ज्यादा है पहले से ही। और ये हमारे मास्टर जी देखिए पसीना से एकदम तस नस हो गए हैं, जो अभी पानी पी रहे हैं। ये गाइस यहाँ पे अब गेम चल रहा है बोतलों खड़ा करने का, अरे अरे गिर गया, खाने से पहले बोतल खड़ा किया जा रहा, नहीं हो पा रहा, इससे भी नहीं हो पा रहा, अब विष्णु ट्राई करे करो, नहीं नहीं किसी से नहीं हो पा रहा यार। तो गाइस पत्तल मिल गया, ये देखिए पत्तल भी है, पानी भी है, अब जस्ट खाना आएगा। तो खाना हम लोग कितना बजे मिल रहा है, और अभी
लगभग एक बज चुका है ना। वो लगा लेकिन उनको नहीं लगता कि अब पेट भरेगा। देखो 1 बजे खाना खा रहा है इसलिए। ये देखिए दूल्हा का छोटा भाई बैठा हुआ है यहाँ पे और बड़ा भाई किधर है नहीं दिख रहा है। मास्टर जी अगले साल आपका भी बारी है, समझे ना? तैयार है ना? चलिए मास्टर जी आप मजा ले रहे हैं पूरा आइसक्रीम का। ये देखिए तब खाने के बाद कैसा लग रहा आपको बताइए कुछ? ठंडा क्यों लग रहा था? देखिए क्योंकि यहाँ पे कूलर चल रहा है इसीलिए ठंडा कूलर चल रहा है। अच्छा विक्रम जिसका शादी है उसको कुछ कहना चाहेंगे? उसको हम बोल के आए कि यार उसे कन्फिडेंस हो है ना, तुम्हारा बारिश हो तो उसे पार्टनर से बांधना पड़ेगा। इधर इधर तक क्या बोले? भागीदारी तुमको अधिक चाहिए होगा ऑन कैमरा है ना, और नहीं तो फिर डरोगे तुम कुछ नहीं कर पाओगे, डरना नहीं है। तो यहाँ पे आइसक्रीम का स्टॉल लगा हुआ है, देखते हैं मिलता है कि नहीं। तो रोल हो गया भाई आइसक्रीम में खत्म। इधर खाली कॉफी वाला और पान वाला है, आइसक्रीम वाला कोई है नहीं। आदमी लग रहा है खत्म हो गया होगा। तो गाइस खाना पीना खा लिए हैं, अभी आराम से बैठे हुए हैं और कूलर का हवा खा रहे हैं। अभी जस्ट हम लोग जाएंगे अब मंडप की तरफ। हम लोग मंडप में जाएंगे, थोड़ा शादी समारोह जो हो रही है वो हम लोग देखेंगे, उसके बाद घर प्रस्थान करेंगे कुछ देर बाद। चलिए तब। सो गाइस पंडाल का डिजाइन देख सकते हैं, डिजाइन तो बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ का डेकोरेशन कैसा लग रहा है? बहुत ही मस्त डेकोरेशन है ना, देखने में अच्छा लग रहा है ना, मन खुश हो गया है। टीटी का ससुराल है, टीटी का ससुराल आया है। अब जा रहे हैं अंदर साइड गाइस, देख सकते हैं मंडप काफ़ी डेकोरेशन देख सकते हैं काफ़ी सुंदर है, और इधर व्यू भी बहुत ही मस्त आ रहा चारों तरफ। और इधर विष्णु क्या देख रहा है पता नहीं, क्या देख रहा है, किसको देख रहा तू? देख रहे वो मतलब जब से आए हैं लड़का, मतलब लड़का का पीछा नहीं छोड़ा हम। ये तो दूल्हा का साला है फिर भी नहीं, मतलब बड़े बड़े छोड़ नहीं रहा, मतलब क्या बोल करना क्या चाह रहा वही हम तब से ध्यान दे रहे हैं। वही चीज़ तो देखिए आप लोग को भी हम दिखा रहे हैं क्या करना चाह रहे हैं। एकदम आगे इसको बैठाया गया, अकेले बैठा हुआ, अरे अकेले इसको बैठाया गया, देखिए कुर्सी लाके अभी तक खाना भी नहीं खाया है, सोचो चक्कर क्या, वही जानना चाहता। बने रहिए हमारे ब्लॉग चैनल पर, दिखाते रहेंगे। दूल्हे राजा को देखिए यहाँ पे हालत क्या हो गया इनका, इतना बड़ा मोर बनाया गया हालत देखिए। भैया जी, ओ भैया, विक्रम भैया जी इधर, हालत आपका बहुत ही खराब है, अभी आपको देख सकते हैं। तो अभी तक दूल्हे राजा को कोई दिक्कत नहीं ना हुआ है? कोई दिक्कत नहीं ना हुआ है? तो अभी आपको पूरा रात जगना है? पूरा खुश है ना? पूरा खुश है ना अभी तक? कोई रात जगने में कुछ नहीं रहता। अच्छा तो चलिए दिखाते रहेंगे आप लोग। देखिए गाइस अभी यहाँ पे वो परंपरा चल रहा है जिसको क्या बोलते हैं, धान कुटा भी चलेगा। देखिए सिर्फ शादीशुदा के लिए, सिर्फ शादीशुदा इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। अच्छा पार्टिसिपेट कर सकता है। दीपक भी है, ये देखिए चश्मा वाला दीपक है। कैसा लगा धान कुट के फर्स्ट टाइम तुम? एकदम मस्त ना? आपने कितना बार किया? 2 बार किया। देख सकते हैं गाइस अभी शादी का रस्म चल रहा है, यहाँ पे दूल्हा बैठा हुआ है और अभी पंडित जी टीका लगा रही है। देखिए अच्छा ससुर टीका लगा रहे हैं, बोला पंडित जी का कोई बात नहीं। देखो 40 तुम यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हो? तुमको क्या मिला है? दूल्हे राजा क्या बोला तुमको कि यहाँ पे बैठ कर रहना? शादी कैसे होता है उसका एक्सपीरियंस ले रहे हैं। अच्छा इसके बाद मेरा ही बारी है। तो इन महिलाओं के बीच में तुम जो बैठा हुआ है तुमको थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? अजीब कुछ लग रहा है, अच्छा लग रहा है बैठ के, अच्छा अच्छा लग रहा है, एक्सपीरियंस ले रहा है।